राग का मतलब क्या है? अभी देखिए, हमारे पास 7 शुद्ध स्वर है, सा रे ग म प ध नी। 4 कोमल स्वर है, कोमल रे, कोमल ग, कोमल ध, कोमल नी। और 1 तीव्र स्वर है, तीव्र म। अगर उन सबको लाइन से लिखेंगे, है ना, तो सबसे पहले आता है सा, उससे थोड़ा सा ऊपर है कोमल रे, है ना, उससे ऊपर है शुद्ध रे, उससे थोड़ा सा ऊपर है कोमल ग, फिर उससे ऊपर है ग, फिर है म, फिर उससे ऊपर है तीव्र म, फिर प, फिर कोमल ध, फिर शुद्ध ध, कोमल नी, शुद्ध नी, तो टोटल कितने स्वर हुए? 12। 7 शुद्ध, सारे ग म प ध नी, 4 कोमल, कोमल रे, कोमल ग, कोमल द, कोमल नी, ये सभी, और 1 तीव्र म। तो इन सभी स्वरों की अपनी एक एनवायरनमेंट होता है, अपना एक मूड होता है, कि जिनसे कि आप जब उसको बजाते हो तो आपको एक फील मिलता है। सो हम क्या करेंगे, हम ग्रुप ऑफ नोट्स लेके उनको फिक्स कर देंगे, उनको बजाने को नहीं, उन नोट्स को फिक्स कर देंगे, सो दैट उनसे जो आपको एक मूड क्रिएट होता है वो फिक्स हो जाएगा। यही ऑब्जेक्टिव होता है राग का। राग का डेफिनेशन क्या है? रंजयति इति रागः। फिर से, रंजयति इति रागः, मतलब रंजयति मतलब जो रंजकता देता है, जो मूड क्रिएट करता है, वो राग है। ये उसका डेफिनेशन, जो चीज़ मूड क्रिएट करता है, सर्टेन फील देता है, वो राग है। अभी उस मूड को आपने, मान लीजिए कि आपने मूड किया कि भाई रोमांटिक, अभी उस मूड को बनाए रखने के लिए आपने जो स्वरों का यूज़ किया है या जो स्वरों का यूज़ करना है, वही स्वर आपको यूज़ में आने चाहिए, उनके अलावा का स्वर आपका लगना नहीं चाहिए। दैट मीन्स राग की प्रैक्टिकल डेफिनेशन इस तरीके से कह सकते हैं कि फिक्स्ड नोट जो हमने किए हैं उस नोट्स में ही उसको इम्प्रूवाइज करना। अगर हमने सोचा है कि भाई सा बजेगा, रे बजेगा, ग बजेगा, प बजेगा और ध बजेगा, तो यही स्वर बजना चाहिए, फिर म नहीं बजना चाहिए और नी नहीं बजना चाहिए। ये होता है राग। तो आप कोई भी राग जब बजाएंगे, आपको पहले से ही स्वर दे दिए जाएंगे कि भाई इस राग में ये स्वर आते हैं, है ना। अभी उस स्वरों को क्या करना है वो आपकी मर्जी, है ना। उस स्वरों को लेके आप उसको कैसे बजाएंगे, कौन सा स्वर कहाँ पे लगेगा, वो आपकी मर्जी, बट जो स्वर आपको दिए हैं उससे बाहर आपको नहीं जाना। ये होता है राग। फिर उसके बाद आता है कि आपके आरोह में, राग में आने वाले आरोह में स्वरों की संख्या और अवरोह में स्वरों की संख्या किस तरीके से होगी। अभी देखिए, यहां पे आपका रूल्स शुरू हो जाता है राग का। राग का रूल्स ये है कि आप कभी भी राग में एक ही स्वर के दोनों प्रकार एक साथ नहीं लगा सकते, है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि मेरे पास राग है जिसमें सा होगा, फिर कोमल रे होगा और फिर शुद्ध रे होगा, ऐसा नहीं हो सकता। या तो सा के बाद कोमल रे होगा या तो सा के बाद शुद्ध रे होगा। तो ये इसका रूल क्या है, पहला कि सेम नोट के दो वर्जन ये यूज नहीं कर सकते। इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास एट अ टाइम राग में मैक्सिमम 7 ही स्वर हो सकते हैं, मतलब सा होगा, फिर उसके बाद या तो कोमल रे होगा या तो शुद्ध रे होगा, है ना, कोमल ग होगा या तो शुद्ध ग होगा, या तो म होगा या तो तीव्र म होगा, प तो वैसे एक ही होता है, कोमल ध होगा या तो ध होगा, कोमल नी होगा या तो नी होगा, इस तरीके से। तो मैक्सिमम आपके पास कितने स्वर हो सकते हैं, 7। मिनिमम मतलब अभी आप कितने स्वरों को बॉयकट कर सकते हैं ना, सो मैक्सिमम यू कैन बॉयकट 2 नोट्स, उससे ज्यादा स्वरों को आप बॉयकट नहीं कर सकते, है ना। मैं ये नहीं कह सकता कि भाई मैंने एक राग बनाया जिसमें म भी नहीं है, नी भी नहीं है और रे भी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। कोई 2 ही स्वर मैक्सिमम हम जो है राग में बॉयकट कर सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि मिनिमम आपके पास
पांच स्वर तो होंगे ही होंगे, ठीक है। मैक्सिमम कितने होंगे? सात। मिनिमम कितने होंगे? पांच। बट राग के आरोह में और राग के अवरोह में आने वाले स्वरों की संख्या डिफर कर सकती है ना। मैं एक राग बना सकता हूं कि भाई जिसमें असेंडिंग में मैं जाऊंगा तो सा कोमल रे, ग म प कोमल द नी सा, इतना आएगा। और डिसेंडिंग में मैं बताऊंगा कि भाई सा ध प ग रे सा, ऐसा आएगा। मतलब असेंडिंग एंड डिसेंडिंग राग का पूरा अलग अलग हो सकता है। ओके, तो ये मत समझिए कि असेंडिंग में जो स्वर राग में आएंगे डिसेंडिंग में भी वही आएंगे, ऐसा बहुत कम रागों में होता है। ज्यादातर रागों में यही होता है कि असेंडिंग में जो स्वर है उससे अलग होता है, या एकाध दो स्वर तो डिसेंडिंग में अलग ही होते हैं उनसे। समझ में आया? तो इसको लिखिए, मैं फटाफट लिखवाता हूं। जो लिखना नहीं लाया है वो रिकॉर्ड कर लीजिए ऑडियो। सबसे पहले राग की डेफिनेशन, राग की डेफिनेशन लिखिए। रंजयति, रंजयति, आर ए एन जे ए वाई ए टी आई, रंजयति। इति आई टी आई, राग, रंजयति इति राग इन ब्रैकेट। राग क्रिएट्स सर्टेन मूड, राग क्रिएट्स सर्टेन मूड। तो ऊपर जो आपने लिखा उसका यही उसका अनुवाद है कि भाई जो एक सर्टेन मूड क्रिएट करता है वो राग है। ओके, फिर उसको नीचे लिखिए। इन इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक, इन नॉर्थ इंडियन क्लासिकल म्यूजिक रूल नंबर वन, द सेम नोट ऑफ मेजर एंड माइनर कैन नॉट बी यूज्ड टूगेदर। हैंस द मैक्सिमम नोट्स इन द रागा कैन बी सेवन। ये जो मैं चर्चा किया ना कि एक ही स्वर के दोनों प्रकार एक साथ उस राग में नहीं आ सकते ना, या तो सा के बाद कोमल रे होगा या तो सा के बाद शुद्ध रे होगा। सा कोमल रे शुद्ध रे दोनों हो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब यह हुआ कि एक स्वर का एक ही प्रकार एट अ टाइम आ सकता है, तो मैक्सिमम आपके पास सात ही स्वर राग में हो सकते हैं, है ना। सेकंड रूल, द वर्जित स्वर और ओमिटेड नोट उसको बोलते हैं, ओमिटेड नोट और वर्जित स्वर कैन नॉट बी मोर देन टू। तो हम राग में दो स्वरों से ज्यादा स्वरों को वर्जित नहीं कर सकते। दैट मीन्स मिनिमम नोट्स इन द रागा कैन बी फाइव। ओके, तो समझ में आया। फिर उसके बाद अभी ये रूल दो खत्म हो गए, ये रूल्स थे वो खत्म हो गया ना। अभी जनरल पॉइंट बना के लिखिए, द नोट्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग, द नोट्स इन असेंडिंग एंड डिसेंडिंग मे वेरी इन द रागा, मे वेरी इन द रागा। इसका मतलब यह है कि जो स्वर असेंडिंग में होंगे वही डिसेंडिंग में होंगे जरूरी नहीं है। ओके, जितने असेंडिंग में है उतने ही डिसेंडिंग में होंगे ये भी जरूरी नहीं। असेंडिंग में पांच हो सकते हैं, डिसेंडिंग में सात भी हो सकते हैं। असेंडिंग में नी शुद्ध हो सकता है, डिसेंडिंग में नी कोमल भी हो सकता है। ओके, तो असेंडिंग और डिसेंडिंग दे आर इंडिपेंडेंट थिंग ना, वो आपको फिक्स दे दिया जाएगा लेकिन वो जैसा असेंडिंग है वैसा ही डिसेंडिंग होगा, दैट इज नॉट कंपलसरी राग में, ठीक है। अभी हम एक एग्जांपल से उसको समझ लेते हैं। फॉर एग्जांपल हम राग लेते हैं यमन,
ओके, बड़ा ही पॉपुलर राग है यमन। इसका असेंडिंग है सा रे ग मध्यम तीव्र, प ध नी सा, एंड बाय चांस इसका डिसेंडिंग भी सेम है सा नी ध प तीव्र म ग रे सा। ठीक है, एग्जाम्पल के हिसाब से लिख दीजिए कि राग यमन। फाइन, मध्यम तीव्र में बराबर निशानी करिएगा, अदरवाइज वो निशानी नहीं हुआ तो मध्यम शुद्ध हो जाएगा। ओके, नाउ द न्यू टर्म टू अंडरस्टैंड इज जाति ऑफ राग। ओके, राग की जाति, अभी थोड़ी देर समझ लीजिए फिर लिखिएगा। राग की जाति ये है कि आपके आरोह में, राग के असेंडिंग में कितने स्वर है और राग के डिसेंडिंग में कितने स्वर है, उनकी संख्या बताता है। हमने देखा ना कि मिनिमम नोट्स कितने हो सकते हैं 5, मैक्सिमम नोट्स कितने हो सकते हैं 7, अभी इनके कॉम्बिनेशंस कितने हो सकते हैं। ठीक है भाई, आरोह में 5, अवरोह में भी 5, ये एक कॉम्बिनेशन हुआ। आरोह में 5, अवरोह में 6, ये एक कॉम्बिनेशन हुआ। आरओ में 5 नोट्स, अवरो में 7 नोट्स, ये तीसरा कॉम्बिनेशन हुआ। फिर इसी हिसाब से 6 5, आरओ में 6, अवरो में 5, आरओ में 6, अवरो में 6, आरओ में 6, अवरो में 7, फिर आरओ में 7, अवरो में 5, आरओ में 7, अवरो में 6, एंड आरओ में भी 7, अवरो में भी 7, ये वाला। तो टोटल कितने कॉम्बिनेशन बने? 9 कॉम्बिनेशन। क्या कौन कौन से हुए? एक कि भाई आरओ में 5, अवरो में भी 5, आरओ में 5, अवरो में 6, आरओ में 5, अवरो में 7। जैसे भूपाली सा रे ग प ध है ना, ये 5 स्वर है, अवरो में भी सा ध प ग रे, वही 5 स्वर है ना, तो दोनों में 5 5, तो ये एग्जांपल हो गया। फिर मैं बोलूंगा भाई सारे ग प ध आरओ में है, सा नी ध प ग रे है ना, सिर्फ म नहीं है, तो 6 हो गया अवरो में है ना। और मैं बोलूंगा भाई सारे ग प ध आरओ में है, अवरो में सा नी ध प म ग रे सब है ना, तो वो ये कॉम्बिनेशन हो गया 5 7। उसी हिसाब से किसी राग में 6 5 का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, आरओ में 6, अवरो में 5, किसी में 6 6 का भी कॉम्बिनेशन हो सकता है, किसी में 6 7 का हो सकता है, किसी में 7 5 का, 7 6 का और 7 7 का, ये तो एग्जांपल हो गया 7 7 का। ओके, तो इसे कहते हैं राग की जाति। आप कोई भी राग बजाएंगे वो इसी में से उसके कॉम्बिनेशन, इसी में से किसी का कुछ ना कुछ होगा। ओके, अभी इसमें 5 के लिए शब्द है ओ ड व, या उसको ए यू बी बोलते, ए यू डी ए वी। 6 के लिए शब्द है शाडव, एस एच ए डी ए वी, और 7 के लिए शब्द है संपूर्ण, एस ए एम डबल पी ओ आर एन, संपूर्ण। ओके, अभी जिसको आप 5 5 कह रहे हैं उसको अभी 5 के बदले क्या बोलना है? ओडव, वापिस 5 है तो ओडव ना, तो जिस राग में आरोह में और अवरोह में 5 5 स्वर है उसको हम क्या बोलेंगे? भाई ये ओडव ओडव जाति का राग है। ओके, फिर 5 6 है तो क्या बोलेंगे? ओडव शाडव। 5 7 है तो क्या बोलेंगे? ओडव संपूर्ण। 6 है तो उसके लिए क्या शब्द है? शाडव, और 5 के लिए ओडव, तो शाडव ओडव है ना। 6 6 के लिए क्या बोलेंगे? शाडव शाडव। 6 7 के लिए क्या बोलेंगे? शाडव संपूर्ण। 7 5 संपूर्ण ओडव, 7 6 संपूर्ण संपूर्ण, सॉरी 7 संपूर्ण शाडव, और 7 7 क्या होगा? संपूर्ण संपूर्ण। ओके, नाम वही है ओडव शाडव संपूर्ण, आपको उसको कॉम्बिनेशन के हिसाब से बिठाना। अभी इस राग की जाति क्या होगी? यमन की, संपूर्ण संपूर्ण, समझ में आ रहा है? हाँ, तो इस तरीके से आप जो भी राग को देखेंगे उसमें आरोह के स्वरों की संख्या और अवरों में स्वरों की संख्या देख के आपको उसकी जाति समझ में आएगी। ठीक है, जो स्वर रिपीट हो रहा है उसको नहीं गिनना चाहिए। अब जैसे आप गिनोगे भाई 1 2 3 4 5 6 7 8, लेकिन ये तो साई है ना, नया स्वर नहीं है वो। नया स्वर होता अगर कोमल रे होता या कोमल ग होता, कुछ इसमें से अलग कोई स्वर होता तो वो नया होता। तो इसमें स्वरों की संख्या तो 7 ही है, 1 2 3 4 5 6 7 सेम, इसमें भी 1 2 3 4 5 6 7 7 ही है। क्लियर, तो ये हो गया राग की जाति। अभी यमन में थोड़ा सा ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि कहने के लिए तो ये संपूर्ण संपूर्ण राग है,
बट जब आप इसको बजाएंगे तो ये ओडव संपूर्ण हो जाता है, ठीक है, या उसको ओडव संपूर्ण करके बजाते हैं। सो नाउ व्हेन आई से ओडव संपूर्ण, तो आपके दिमाग में क्या आना चाहिए कि भाई आरओ में पांच स्वर हो गए, है ना, सात अवरो में सात के साथ बराबर है, आरओ में पांच हो गए। पांच हो गए मतलब किसी दो को हमने ओमिट कर दिया, है ना, तो वो कौन से दो स्वर होंगे जिसको हमने ओमिट कर दिया, वो है सा और है पा, ठीक है, क्योंकि उसको अगर आप सा और पा को असेंडिंग में लेके बजाते हैं ना तो वो बाकी और बहुत सारे रागों से मिल जाता है, इसलिए हम उसको है तो वैसे संपूर्ण संपूर्ण राग, लेकिन बजाने के लिए हम उसको ओडव संपूर्ण करके बजाते हैं। अभी मान लीजिए कि यहां पे रे के पहले सा नहीं है तो उसके बदले उसके पहले कौन होगा, सा के पहले नी होगा, है ना, तो यहां पर आएगा नी, कौन सा ऑक्टेव, लोअर ऑक्टेव का, समझ में आ रहा है, जैसे यहां पे सा के पहले नी है, ओके, तो अगर ये सा नहीं लिखना है मुझे तो उसका पहले वाला स्वर लिखना पड़ेगा, दैट इज नी, तो वैसे यहां पे सा के पहले जो नी है वो लोअर ऑक्टेव का नी है, उसकी सेम ऑक्टेव का नी, उसकी सेम ऑक्टेव का नी तो ऊपर आएगा यहां पर, ओके, तो इसका आरोह क्या हुआ, नी रे ग म ध नी सा। अभी आप बोलोगे भाई सा तो आरोह में नहीं है, यहां पे क्या कर रहा है ना, अभी उसके बारे में चर्चा करेंगे, और वो सेम है सानी दपम गए ऐसा, तो अभी उसकी जाति क्या हो गई बताइए, नाउ व्हाट इज द जाति ऑफ दिस राग, आरोह में कितने स्वर है, छह कैसे हो गए, एक दो तीन चार पांच, नी तो गिन लिया ना यहां पे आपने, सा एक्चुअली यहां पे सा जो है वो आरओ में है नहीं, उसका एक अलग हिस्ट्री, तो देखेंगे, तो सा को छोड़ दीजिए, तो एक दो तीन चार पांच और ये तो वापस सेम है, तो ये है पांच और ये है सात, तो इसका जाति क्या हुआ, ओडव संपूर्ण, ये इसका जाति हुआ, ओके। अभी आप आते हैं कि ये सा और प को आरओ में ना बजाने का मतलब क्या है, है ना, अभी हम मैं कहता हूं भाई इस राग में सा और प जो है वो आरओ में वर्जित है, लेकिन आप राग जब बजाओगे तो सिर्फ आरओ अवरो तो नहीं बजाने वाले, वहां तो चीजें प्रैक्टिकली बजेगी, देन वहां पर आप किस तरीके से समझेंगे कि अभी मेरा सा जो है वो आरओ में आ गया ये गलत हो गया, या अभी मेरा सा जो है वो अवरो में है तो गलत, ठीक है, ठीक है, तो कोई भी स्वर मान लीजिए या सा है या प है, इसकी पोजिशन असेंडिंग में है कि डिसेंडिंग में है वो डिसाइड होता है उसके फॉलोइंग नोट से, यहां पर कौन आएगा, सपोज इफ माई सा इज फॉलोड बाई रे विच इज द हायर देन सा, ओके, अगर आपका जो स्वर जिसको आपको देखना है कि असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है, इफ इट इज फॉलोड बाई एनी हायर नोट देन ये जो नोट है ये असेंडिंग में है, ओके, और वहीं पे अगर ये आपका स्वर इफ इट इज फॉलोड बाई एनी लोअर नोट, ओके, जैसे सा के बाद नी गए या सा के बाद ध आए या सा के बाद प आए, देन आपका सा किस में है, डिसेंडिंग में है, समझ में आ रहा है, सेम प के बाद अगर आप ध बजाते हो या नी बजाते हो, इन दैट केस आपका प असेंडिंग में है, ऊपर जा रहा है, ओके, लेकिन प के बाद अगर आप म बजाते हो या ग बजाते हो तब आपका प डिसेंडिंग में है। इसका कहने का मतलब यह है कि इस राग को बजाते के हुए जब भी आप सा बजाओगे या प बजाओगे उसके बाद बजने वाला स्वर उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए, मैं ये नहीं बजा सकता नी सा रे, ये नहीं बजा सकता क्योंकि सा का फॉलोइंग नोट रे है, तो यहां पर सा असेंडिंग में आ गया विच इज नॉट अलाउड इन दिस राग, तो अगर आपको रे बजाना ही है तो पहला ऑप्शन की सा बजाओ ही मत, सीधा नी से रे बजा जाए, और अगर आपने सा बजा ही दिया है ना, नी के बाद सा आपने बजा दिया, अभी मुझे रे भी बजाना है, तो वापिस नी पे आ जाओ, देन फिर आप रे के ऊपर जाओ, समझ में आया, सेम विथ प, अगर आपने प बजाया है तो ध नहीं बजा सकते, नी भी नहीं बजा सकते, है ना, यहां पे म प ध नहीं कर सकते, सो अगर मैंने म बजाया है और मुझे ध बजाना है तो डायरेक्टली ध चला जाओ, अगर मुझे प बजाना ही था तो म फिर प फिर वापिस तीव्र मध्यम फिर ध, ऐसा करके मैं जा सकता हूं ऊपर, ओके, तो कोई भी राग आप बजाओगे उसमें ज्यादातर ऐसे ही रूल होंगे कि भाई ये राग ये स्वर जो है वो आरओ में आएगा अथवा तो नहीं आएगा, इस तरीके से, तो उसका पता कैसे लगाएंगे, उसके फॉलोइंग नोट से उसका पता लगाएंगे, उसका फॉलोइंग नोट अगर ऊपर जा रहा है तब आपका ये जो स्वर है वो आरओ में गिना जाएगा, अगर उसका फॉलोइंग नोट नीचे आ रहा है तब आपका जो स्वर है वो अवरो में गिना जाएगा, ठीक है। तीसरा ऑप्शन मान लीजिए कि मैं ये लिखा हूं ध है नी है सा है,
अभी यहां पे सा का स्टेटस क्या है, आरओ में है कि अवरो में है? द स्टेटमेंट इज ध नी सा, आरओ है कि अवरो है? कौन कैसे पता लगेगा? हाँ, आप ध से नी गए, चलो तो ये ध आपका आरओ में है बिकॉज इट इज फॉलोड बाय इट्स हायर नोट्स। नी से सा गए तो नी आपका आरओ में बिकॉज इट इज फॉलोड बाय अगेन हायर नोट। सा का स्टेटस पता लगाने के लिए तो यहां स्वर ही नहीं है, मैं यहां पे नी कर दूंगा तो अवरो हो जाएगा, रे कर दूंगा तो आरओ हो जाएगा, लेकिन यहां पे कुछ है ही नहीं, देन वो न्यूट्रल पोजिशन पर है। ओके, तो न्यूट्रल पोजिशन पर भी वो रह सकता है। तो यहां पे जो पोजिशन है ना, ये इसकी न्यूट्रल पोजिशन है, ये असेंडिंग में नहीं आया अभी तक। ये असेंडिंग में तभी गिना जाएगा जब यहां पे रे आ जाए, तो ये असेंडिंग में गिना जाएगा। ओके, तो जब ऐसे रूल्स होते हैं तो स्वर अगर बच के आखिरी हो है ना, तब वो बच सकता है, क्योंकि तब वो ना असेंडिंग में है ना डिसेंडिंग में, क्योंकि उसको डिसाइड करने वाला कोई स्वर ही नहीं है वहां पर। सो इफ आई प्ले नी रे ग म प सपोज, ओके, तो ये प अलाउड है या अलाउड नहीं है? इफ आई प्ले नी रे ग म प, तो प बजाना अलाउड है कि नहीं है? है, क्यों? क्योंकि अभी तक आपका प असेंडिंग में नहीं आया। इफ इट इज फॉलोड बाय ध देन वो गलत हो जाएगा इसमें, ठीक है? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, सब लोग समझ लीजिए इसको, कि आप कोई भी राग बजाएंगे उसमें लिखा होगा कि भाई जाते वक्त नी शुद्ध लगेगा, आते वक्त नी कोमल लगेगा। इसका मतलब क्या है? अगर मेरा रूल है राग का कि भाई जाते वक्त नी शुद्ध लगना चाहिए, आरओ में शुद्ध नहीं लगेगा, अवरो में नी कोमल लगेगा, मेरा फ्रेज है प नी प नी सा, ये मेरा फ्रेज है। ओके, तो अभी ये दो नी का स्टेटस बताओ। रूल ये है कि असेंडिंग में नी शुद्ध लगना चाहिए, डिसेंडिंग में नी कोमल लगना चाहिए। तो पहले इस नी को देखो, इसका क्या स्टेटस है, असेंडिंग में है या डिसेंडिंग में है? ये नी इज फॉलोड बाय प, जो कि उससे हायर है कि लोअर है? लोअर है, नी से नीचे आता है ना प, तो नी से अगर आप प जा रहे हो जो कि लोअर है, तो आपका रूल क्या कहता है, डिसेंडिंग में क्या होना चाहिए, उसको कोमल होना चाहिए, तो ये कोमल हो जाएगा। ओके, फिर प तो ठीक है, उसके बाद ये नी का स्टेटस क्या है, नी इज फॉलोड बाय सा विच इज हायर है ना, तब यहां पे आपका नी क्या आना चाहिए, शुद्ध आना चाहिए, ठीक है? वृंदावनी सारंग, देश, बहुत सारे राग ऐसे जिसमें इस तरीके का रूल दिया होगा कि जाते वक्त आपका नी शुद्ध लगना चाहिए, अवरो में कोमल लगना चाहिए। बट आरओ में है हमारा नी या अवरो में पता कैसे चलेगा? वो पता चलेगा उसके फॉलोइंग नोट को देख के। क्लियर? मान लीजिए कि हम यमन बजा रहे हैं, यमन में आरओ में कौन अलाउड नहीं है? अभी हमने देखा ना कौन कौन से स्वर अलाउड नहीं आरओ में असेंडिंग में, सा और प। ओके, सो मैं कुछ फ्रेजेस लिखता हूं। सपोज नी सा नी रे सा नी सा, नी सा नी रे सा नी सा, तो ये फ्रेज में कुछ ठीक गड़बड़ है या ठीक है सब? सो दिस सा इज फॉलोड बाय नी विच इज डिसेंडिंग, जहां पे सा है वहीं पे नजर देखना है हमें, ठीक है? दिस सा इज अगेन फॉलोड बाय नी, ठीक है, और यहां पे कुछ है ही नहीं पांच में, तो ये भी ठीक है, ठीक है? अगर ये होता तो ये गलत हो जाता, ये सा के लिए ये गलत हो जाता, नीसा नीरे सा नीसा रे ये गलत हो जाता। तो यहां से या तो रे निकालो या तो फिर यहां से सा निकालो, नीसा नीरे सा नीरे ये ठीक है फिर, ठीक है? सेम वही रूल आपको प में भी लागू होता है, म प म ध प म प, इसमें सब ठीक है या गड़बड़ है? म प म ध प म प, जहां जहां प है वहीं पे देखना है, ये प फॉलोड बाय म विच इज ओके, दिस प फॉलोड बाय म अगेन ओके, दिस प इज फॉलोड बाय नथिंग सो न्यूट्रल, ठीक है? अभी यहां पे म प ये म निकाल दूं मैं, म प ध प म प, ये गलत हो जाएगा, क्यों? क्योंकि यहां पे प इज फॉलोड बाय हायर नोट ध विच इज नॉट अलाउड इन दिस राग, समझ में आया? बस इस तरीके से आपको नजर रखना है। तो कभी कभी रूल ऐसा होता है कि भाई आरओ में अलाउड नहीं है, अवरो में अलाउड है, या कभी कभी ऐसा होता है कि आरओ अवरो में दोनों में आएगा लेकिन एक में शुद्ध आएगा एक में कोमल आएगा, या एक में शुद्ध आएगा एक में तीव्र आएगा, जैसे शुद्ध सारंग।
शुद्ध सारंग में रूल ऐसा है, राग शुद्ध सारंग में, शुद्ध सारंग, कि अगर आपका म अवरोह में है, डिसेंडिंग में है, तो वो शुद्ध रहेगा। अगर आप, अगर आपका म असेंडिंग में है तो वो तीव्र रहेगा ना। सो इफ आई प्ले म रे देन वो म शुद्ध रहेगा, इफ आई प्ले म प तो म तीव्र हो जाएगा। असेंडिंग में होगा तो तीव्र चाहिए, डिसेंडिंग में होगा तो शुद्ध चाहिए। ओके, एंड हाउ टू डिसाइड असेंडिंग और डिसेंडिंग, अगर बाजू वाला स्वर, नेक्स्ट वाला स्वर अगर उससे छोटा है देन ये वाला स्वर डिसेंडिंग में है ना, और अगर उसका नेक्स्ट वाला स्वर उससे ऊपर जा रहा है तो ये वाला स्वर असेंडिंग में है। ओके, ये बहुत जरूरी चीज है समझना, इसको याद रख लीजिए। फाइन, चलिए तो यमन में लिख दीजिए एक एग्जाम्पल में कि इस राग में, राग यमन में सा और प आरो में वर्जित है। ओके, हेंस द असेंडिंग ऑफ रागा इज निरेगम धनिसा। पहले आपने सारे गम पधनिसा लिखा था, अभी ये नया असेंडिंग है निरेगम धनिसा। डिसेंडिंग इज द सेम सानी दपम अगरेसा। ओके, अभी इसके बाद आपने जो स्वर सिलेक्ट किया है उन स्वरों में और खास स्वर होते हैं, मतलब जिसके ऊपर आपको ज्यादा रुकना होता है ना, या उसको राग का मेन स्वर भी कहते हैं। ठीक है, उसको हम संगीत की भाषा में कहते हैं वादी स्वर। लिखिए वादी स्वर, वी डबल ए डी आई, वादी। वादी स्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट ऑफ द रागा। मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट का मतलब क्या हुआ कि वो बार बार बजेगा या उसके ऊपर जाके ज्यादा हम स्टे करेंगे ना, उसका यूज ज्यादा होगा। ओके, तो ऐसे ऐसे स्वरों को कहते हैं वादी स्वर। फिर दूसरा है समवादी स्वर, वादी स्वर देन समवादी स्वर। तो समवादी स्वर इज अ सेकेंडरी इंपॉर्टेंट नोट ऑफ द रागा, सेकेंडरी इंपॉर्टेंट नोट ऑफ द रागा। ओके, अभी देखिए सरगम के ना दो भाग होते हैं, सा रे ग म प ध नी, इस सा को नहीं गिनते। चलो, तो सारे गम जो है ये आपका फर्स्ट हाफ है, मपधनी जो है ये आपका सेकंड हाफ है। ओके, सो फर्स्ट को हम बोलते हैं पूर्व, पूर्व और भाग को बोलते हैं अंग, तो पूर्वांग ये उसका बोलते हैं पूर्व अंग, पूर्वांग, तो इसे बोलते हैं पूर्वांग। किसे? सा से म को, और इसे कहते हैं उत्तरांग। किसे? म से नी को, दोनों में म कॉमन है क्योंकि सात स्वर है। तो अगर आपका वादी स्वर पूर्वांग में से है ना, सा है या तो रे है या तो ग है या तो म है, तो आपका संवादी स्वर उत्तरांग में से होगा, म में से या तो प में से या तो ध में से या तो नी में से। वादी स्वर होता है जो राग में सबसे ज्यादा यूज होता है, संवादी स्वर होता है जो सेकेंडरी यूज होता है। इसका मतलब यह हुआ कि अगर आप राग में इन स्वरों में घूम रहे हैं तो आपको वादी में से कहीं पे या संवादी में से कहीं पे रुकना है, अगर इस तरफ घूम रहे हो तो यहां पे रुकने के लिए हमको एक स्वर चाहिए। ऐसा नहीं होगा कि भाई रे वादी और ग संवादी, ऐसा कभी नहीं होता है ना। वादी अगर सारे ग म में से होगा तो संवादी आपका मपधनी में से ही होगा, इसी तरीके से होता है। ओके, तो अगर आपका राग में वादी स्वर पूर्वांग में है तो आपका संवादी स्वर उत्तरांग में होगा, और अगर वादी स्वर उत्तरांग में है, लेट से कि भाई मेरा वादी स्वर द है तो मेरा संवादी स्वर रे होगा या ग होगा जो पूर्वांग में होगा। ठीक है, इसी हिसाब से राग को पूर्वांग प्रधान या उत्तरांग प्रधान राग कहते हैं, मतलब किसकी प्रधानता है इसमें। अगर आपका वादी स्वर ग है
तो डेफिनेटली आपका पूर्वांग का प्रधानता ज्यादा होगी, तो आपका राग हमेशा नीचे आने की कोशिश करेगा। सारे ग प ध प रे ग, है ना, भूपाली। आप कितना भी ऊपर जाइए वापिस वो आप ग पर ही आ जाइए। तो ऐसे रागों को क्या बोलते हैं, पूर्वांग प्रधान राग, जो हमेशा नीचे आने की कोशिश करता है। अगर आपका वादी स्वर लेट से कि ध है ना, सारे ग प ध प द रे ग प ध प, वो हमेशा ऊपर ऊपर रहने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसका वादी स्वर यहां पर है ध पे। तो ऐसे रागों को क्या कहते हैं, उत्तरांग प्रधान राग। ठीक है, तो आपका वादी स्वर कौन से भाग में पड़ता है उस हिसाब से आपका राग का नेचर डिसाइड होता है कि वो बजाते वक्त ज्यादा ऊपर की तरफ रहेगा या ज्यादा नीचे की तरफ रहेगा, है ना। तो ऊपर की तरफ रहेगा उसको संगीत की भाषा में हम कहते हैं उत्तरांग प्रधान राग है ये, है ना। नीचे की तरफ रहेगा तो उसको संगीत की भाषा में हम कहते हैं ये पूर्वांग प्रधान राग है। ठीक है, अभी हम जब राग बजाएंगे तो उसमें और डिटेलिंग में देखेंगे। सो वादी होता है जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, ओके, वो फर्स्ट हाफ में भी हो सकता है, सेकंड हाफ में भी हो सकता है। संवादी होता है जो सेकेंडरी इंपॉर्टेंट होता है, वो डिपेंड करता है कि वादी कहां पे है। अगर फर्स्ट में है तो ये सेकंड में होगा, ये सेकंड में है तो वो फर्स्ट में होगा, इस तरीके से। क्लियर, अभी तक इतना समझ में आया। अभी जैसे यमन में वादी है ग, ओके, तो उसका संवादी है नी। तो यमन कैसा राग हुआ, पूर्वांग प्रधान राग हुआ, वो हमेशा नीचे आने की कोशिश करेगा। नी द नी रे ग प रे ग ध प रे ग सा नी प म रे ग सा, ये उसका करेक्टरिस्टिक्स है राग का। फाइन, चलिए इससे आगे बढ़ते हैं। उसके बाद आता है, देखिए अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया। सबसे पहले राग में क्या होता है, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। राग का आरोह होगा, राग का अवरोह होगा, दोनों में स्वरों की संख्या अलग हो सकती है ना, अलग, आरोह में अलग स्वर हो सकते हैं, अवरोह में अलग स्वर हो सकते। दूसरा, उसके हिसाब से आपका क्या डिसाइड हो जाएगा, राग की जाति डिसाइड होगी कि भाई आरोह में कितने स्वर है, अवरोह में कितने स्वर है। पांच है तो ओडव, छह है तो शाडव, सात है तो संपूर्ण, ये टर्म यूज होता है। उसके बाद कहां पर आए हम, वादी स्वर एंड संवादी स्वर। ठीक है, इसके बाद होता है उसका टाइम एंड मूड। अभी ये सब हम जो काम कर रहे हैं वो क्यों कर रहे हैं, क्योंकि एक सर्टेन मूड को क्रिएट करना है, दैट इज अवर ऑब्जेक्टिव। आप राग भूपाली बजाते हैं क्योंकि आपको भक्ति रस चाहिए, आप राग भैरव बजाते हैं क्योंकि आपको उसमें सीरियसनेस चाहिए, शिवरंजनी बजाते हैं क्योंकि करुण रस चाहिए। तो हर राग को हम बजाते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स मूड, उस मूड को क्रिएट करने के लिए हम उसको बजाते हैं, है ना। तो आप कोई राग बजाओगे उसका मूड क्या है, तो मूड जो है उसको हम शास्त्र की भाषा में कहते हैं रस। क्या कहते हैं, रस। ऐसे नौ प्रकार के रस है, हास्य रस, करुण रस, भक्ति रस, है ना, वीर रस, गंभीर रस, शांत रस, ये सभी चीजें। तो आपका राग बजाने से क्या फीलिंग आएगी, क्या मूड क्रिएट होगा, उसे कहते हैं राग का रस या राग का मूड। उसका राग की प्रकृति भी बोलते हैं, राग की प्रकृति, ना कि भाई आप ये जो राग बजाएंगे वो कौन सी प्रकृति का है, मतलब इसको बजाने से आपको क्या फील आएगा, रोमांटिक है कि करुण है कि श्रृंगार रस का राग है, किस तरीके का राग। ठीक है, हर राग का कुछ ना कुछ रस फिक्स होता है, बहुत कम राग ऐसे है जिसमें सभी रस है, डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से बजाते हो। ऐसे दो राग है, एक है यमन, एक है भैरवी। ठीक है, ये सब, ये दोनों राग के राजा है, कोई भी आप जो भी मूड चाहे इसमें से बन सकता है ना, आप पे डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से बजाते हो। अदरवाइज बाकी जितने भी राग है उन सबके मूड फिक्स है कि भाई ये राग बजाओगे तो यही मूड मिलेगा, इस तरीके से। ओके, अभी उसी मूड से एसोसिएटेड है टाइम। ओके, टाइम क्या होता है कि भाई ये राग ये रस देता है या ये मूड क्रिएट करता है, तो हमारी लाइफस्टाइल के हिसाब से दिन में ये मूड हमको कब अच्छा लगेगा। मान लीजिए कि हम सुबह सुबह उठे हैं, है ना, तो अब हमारी प्रकृति गंभीर प्रकृति है, एकदम मूड ठीक नहीं है, ऐसा है, है ना। तो यहाँ पर हमको ऐसा राग चाहिए जो गंभीर प्रकृति का राग, वहाँ पर एकदम भागा दौड़ी वाला राग नहीं चाहिए, है ना। फिर जैसे दिन चढ़ता गया, सूरज ऊपर आ गया, अभी हम भी भागा दौड़ी करने लगे, ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो वहाँ पर ऐसी प्रकृति का राग चाहिए जो चंचल प्रकृति का राग हो, वृंदावनी सारंग, शुद्ध सारंग, ये सब चीज़ें, है ना। फिर जैसे जब काम करके आए स्कूल से या जॉब से, अभी थक गए, तो हमको अभी शांत प्रकृति का राग चाहिए या गंभीर प्रकृति का राग चाहिए,
है ना, भोपाली हो गया, मारवा हो गया, ये सब वो प्रकृति। जैसे जैसे शाम से हम थोड़ा सा ठीक ठाक हुए, नहा धो लिया, फ्रेश हो गए, देन हमको अभी थोड़ा सा हैपनिंग राग चाहिए, है ना, तो बिहाग हो गया, है ना, अंशध्वनि हो गया, ये सब चीज़ें हैं। फिर रात होते होते रोमांटिक, और ज़्यादा रात हो गया तो मेडिटेटिव राग चाहिए। तो हमारा दिन की दिनचर्या के हिसाब से कब हमारा मूड क्या होता है, उस मूड का राग को बजाने या गाने से वो ज़्यादा अप्रोप्रिएट लगता है, वो ज़्यादा रिलेट करता है। प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी राग 24 घंटा प्रैक्टिस करिए, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब आप राग बजाओगे तब उसको एक फिक्स समय के हिसाब से ही आपको देखना है, खास करके जब आप परफॉर्म करते हो तब। ओके, तो राग का जो मूड है उस हिसाब से उसका टाइम भी फिक्स किया गया है पहले से, है ना, वो हमको फिक्स नहीं करना, ऑलरेडी फिक्स है वो। लेकिन वो किस में बताया जाता है, वो बताया जाता है प्रहर में, PRAHAR, प्रहर। ठीक है, एक प्रहर जो है वो 3 घंटे का होता है, 3 आवर्स। तो दिन के कितने प्रहर होंगे, 24 / 3, 8 प्रहर। ठीक है, ये 8 प्रहर में से 4 प्रहर दिन के, 4 प्रहर शाम के या नाइट के बोल सकते हैं। ठीक है, कोई मानता है कि भाई इस प्रहर की शुरुआत 4 बजे से होती है सुबह, है ना, कोई मानता है इस प्रहर की शुरुआत 6 बजे से होती है, दोनों सही है, डिपेंड करता है कि आपके वहां सूरज कब उगता है, है ना। जैसे यहाँ पे हम एकदम एक्सट्रीम ईस्ट में है यहाँ पर, तो यहाँ पे 4, 4:30, 5 बजे तक तो सूरज उग जाता है, तो यहाँ के लिए 4 AM वाला थियोरी परफेक्ट है। लेकिन अगर आप एकदम वेस्ट में चले जाइए, भारत में ही, गुजरात की तरफ, तो वहाँ पे तो सूरज 5:30-6 बजे आसपास उगता है, तो उनके लिए पहला प्रहर 6 बजे से ही शुरू होता है। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा पढ़ने जैसा नहीं है कि 4 बजे या 6 बजे, अभी कोई एक समय ले लीजिए, फॉर एग्जाम्पल 4 AM, तो 4 AM to 7 AM ये दिन का पहला प्रहर है। तो कोई राग में जैसे लिखा होगा कि भाई ये राग दिन के प्रथम प्रहर का है, मतलब 4 से 7 बजे के बीच में, जैसे भैरव ना, दिन का प्रथम प्रहर गंभीर प्रकृति का राग। फिर उसके बाद 7 AM to 10 AM ये दिन का दूसरे प्रहर का, अभी यहाँ से थोड़ा थोड़ा जो है वो डाइल्यूशन शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें चंचल होती जाएगी, फिर इसमें आएगा अहिर भैरव, नट भैरव, ये सब प्रकृति के राग आएंगे। फिर हो गया 10 AM to 1 PM, ये हो गया दोपहर, है ना, यहाँ पे सब चीज़ें चल चेंज हो गया, इसका पूरा मूड ही चेंज हो गया अभी यहाँ पर। तो यहाँ पे शुद्ध सारंग, वृंदावनी सारंग, ये सब चीज़ें यहाँ पे, मधुमान सारंग, ये सब इसमें आएगा। फिर 1 PM से 4 PM जो अभी चल रहा है ना, दिन का लास्ट प्रहर, कि यहाँ पे अभी दिन खत्म हो गया, है ना, तो यहाँ पर भीमपलासी है, पटदीप है, ना मधुवंती है, ये सब चीज़ें इस राग के इस समय में आते हैं। पर फिर उसके बाद वापिस 4 से 7 PM ये शाम का पहला प्रहर हो गया। ठीक है, यहाँ पे भूपाली है ना, यमन, ये सब राग बजते हैं। फिर 7 से 10 PM ये रात की तरफ जा रहे हैं, बिहाग हो गया, देश हो गया, दुर्गा हो गया, ये सब इसमें बजते हैं। 10 PM से 1 AM ये और मिड नाइट की तरफ जा रहा है ना, इसमें फिर जिनजोटी, जय जयवंती, जोग, ये सब राग इसमें आते हैं। एंड उसके भी बाद आप 1 AM से 4 AM ये एकदम मिडनाइट हो गया, मालकौंस, चंद्रकौंस, है ना, जोगकौंस, ये सब राग इसमें आते हैं, दरबारी कानड़ा, ये सब चीज़ें। तो हर राग का एक स्पेसिफिक टाइम है परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, प्रैक्टिस करने के लिए 24 घंटा प्रैक्टिस करिए, बट वेन यू परफॉर्म इट, मेक श्योर कि आप कौन सी विंडो का राग है उसी हिसाब से उसको परफॉर्म करिए। ठीक है, और हर समय को ऐसे इस तरीके से 4 से 7, 7 से 10 में नहीं बोला जाता, प्रहर के हिसाब से बोला जाता है। तो अगर कोई बोलता है भाई शाम का दूसरा प्रहर, तो दूसरा मतलब 4 से 7, 7 से 10 और शाम का है तो 7 PM to 10 PM। अगर सुबह का पहला दूसरा प्रहर होता तो 7 AM to 10 AM ये होता। क्लियर हुआ प्रहर वाली थ्योरी? ओके, उससे आगे बढ़ते। हाँ हाँ, प्लीज प्लीज, ज़्यादा थियोरी नहीं है, बस थोड़ा सा ये डिस्कस करके हम बजाएंगे, लेकिन ये थोड़ी ऐसी इंपॉर्टेंट थियोरी है जो आपको समझनी चाहिए। ओके, फिर उसके बाद लास्ट में क्या आता है, पकड़। पकड़ होता है कि आपने अभी जितनी चीजें डिस्कस किया कि भाई ये राग का आरोह है, ये अवरोह है, है ना, इसमें राग में ये आएगा, ये नहीं आएगा, ये इसका वादी है, संवादी, इन सब का एक बेस्ट एग्जाम्पल फ्रेज में। ओके, जैसे कि यमन का पकड़ है नी द नी रे ग प रे ग रे सा, तो देखिए इसमें नी द नी रे ग सा नहीं है इसमें, है ना, प रे ग रे सा प है, लेकिन हमेशा नीचे ही उतर रहा, तो इसमें कुछ कुछ चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि भाई इसमें राग में सा और प आरोह में नहीं है, है ना, फिर इसमें ग पे ज़्यादा रुकते हैं,
यहाँ पे भी प रे ग करके ज्यादा रुक के नी से फ्रेजेस ज्यादा शुरू हो रहे हैं ना, तो थोड़ा थोड़ा आपका राग का जो भी प्रोटोकॉल्स है वो आपको एक स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा, दैट इज है पक्का राग का पक्का, है ना। जैसे कुछ कुछ फिल्म का एक फेमस डायलॉग होता है ना, आप उस डायलॉग को सुनेंगे कि भाई का किरण, तो मतलब दिल वाले दुनिया ले जाएंगे, यही फिल्म है। बस ये ऐसा ही काम है कि आपको एक ऐसा डायलॉग दे दिया गया राग का कि जो एक फेमस फ्रेज है उस राग का, कि वो बजेगा तो आपको समझ में आ ही जाएगा कि ये राग बज रहा है, ठीक है। इसीलिए उसको राग की पकड़ कहते हैं, जिससे कि आप राग को पकड़ पाओ। अभी ये थोड़ा परसेंट टू परसेंट डिफर करता है ना। मैं जैसे बोल रहा हूँ भाई नी रेगा परे करेगा, कोई बोलेगा भाई नी रेगा मा परे करेगा, ठीक है, एक ही बात है, लगभग आसपास में ही है जो हम जो बात कर रहे हैं, समझ में आया। तो ये होता है राग का पकड़। राग का पकड़ मतलब एक ऐसा सिग्नेचर फ्रेज, राग का सिग्नेचर फ्रेज, जिनसे कि आपको राग की पहचान हो जाए और उसके जो प्रोटोकॉल्स है वादी के समवादी के वो भी थोड़ा थोड़ा आपको उसमें से अंदाजा आ जाए, फाइन। और उसके बाद सबसे लास्ट में होता है, क्या आता है लास्ट में सबसे, क्या बाकी रह गया डिस्कस करना, थाट। शब्द सुना होगा थाट, थाट है रागों का बाइफर्गेशन, ओके। लेकिन वो बाइफर्गेशन जो है वो राग के नाम के ही किया हुआ है। मान लीजिए कि आपके पास 200 राग है अलग अलग, ओके, ये भूपाली दुर्गा सारंग वगैरह वगैरह, उसमें से 10 राग आपने ऐसे निकाले कि जो एक दूसरे से पूरे अलग है, ठीक है। ऐसे 10 राग आपने निकाले, ठीक है, एक में सिर्फ मध्यम तीव्र है यमन हो गया, एक में कोई भी तीव्र कोमल नहीं शुद्ध है बिलावल हो गया, एक में सिर्फ निषाद कोमल है खमाज हो गया। तो ये 10 राग निकालने के बाद यहाँ पे बचे 190 राग फॉर एग्जाम्पल। अभी इसमें से एक एक राग को निकाल के देखिए कि ये इसमें से किस राग से ज्यादा मिलता है ना। अभी मिलना है तो क्या मिलाना है, कोमल स्वर मिलाना है कि तीव्र स्वर मिलाना है कि उसका टाइम मिलाना है या उसकी प्रकृति मिलाना, ऐसा कुछ फिक्स नहीं। जो भी चीज इसके किसी भी राग से मिल जाए उस राग को उस थाट का बोल दो, है ना। तो ये थोड़ा सा ऐसी अधिपक्की सी थ्योरी है जिसका कोई सीधा सीधा मतलब नहीं बनता कि इसकी जरूरत क्यों थी, है ना। आपको जरूरत ही नहीं राग को बाइफर्गेट करने की, जो जैसा है वैसा रहने दो, आपको क्यों उसको हर बार मतलब किसी ना किसी 10 में से किसी एक में फोल्डर में डालना ही है उसको, ठीक है। तो अगर आपको नहीं पता कि कौन सा राग कौन से थाट का है कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको क्या पता होना चाहिए उसका असेंडिंग डिसेंडिंग पता होना चाहिए, उसका पकड़ पता होना चाहिए, बस। बाकी हर चीज जो है सेकेंडरी है, है ना। तो कोई राग कौन से थाट से जाए कौन से थाट में है उसके पीछे आपको एक एक राग को देखना पड़ेगा, क्योंकि उसका कोई फिक्स रूल नहीं है कि भाई ये चीजें चेक करो अगर ये है तो ये राग इस थाट का, ऐसा कुछ नहीं। कभी कभी किसी में प रे ग बचता है तो इस वजह से भूपाली को हमने यमन थाट का बोल दिया, है ना। किसी में सिर्फ कोमल निषाद है तो इसलिए उसको खमाज थाट का बोल दिया, तो उसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंट रोल नहीं है थाट का, ठीक है। लेकिन अगर आप बोलते हो कि भाई ये राग इस थाट का है, देन आपको रूल ये पता होना चाहिए कि क्यों उस थाट का, क्यों उसको उस थाट का गिनते हैं, है ना। या बेहतर है कि उस थ्योरी में पढ़ो ही मत, उसकी कोई जरूरत नहीं थाट वाली थ्योरी, समझ में। हाँ, जरूरी है आरओ ओवरो पकड़ और थोड़ा बहुत वादी संवादी, बस ये भी पता नहीं है तो चलेगा, आरओ ओवरो पकड़ इतना पता होना चाहिए हर राग का।